जयंती कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम महाराजा बलि के सामने दीप जलाकर एवं माल्यार्पण कर समिति के वरिष्ठ सदस्य नरपत सिंह हेड साहब द्वारा की गई। इस जयंती कार्यक्रम में प्रेरणा प्रोत्साहन समिति संयोजक एवं पूर्व पार्षद शंकर सिंदल ने कहा कि हमारे जितने भी मूल निवासी संत और महापुरुष हुए हैं वे बिल्कुल चांद और सूरज की तरह है। जिस तरह से ये प्रकृति की तरह समान व्यवहार करते हैं ऐसे ही महाराजा बलि थे और इस देश के इतिहास गवाह है कि उनकी मानवता, उनकी समानता, उनका व्यवहार आज इतिहास के पन्नों में अजर अमर है। हम उनकी जयंती मनाकर कृत संकल्पित हैं कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाते रहेंगे। उक्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित प्रेरणा प्रोत्साहन समिति संयोजक एवं पूर्व पार्षद शंकर सिद्दल, प्रेरणा प्रोत्साहन समिति अध्यक्ष मेहरबान सिंह मालवी, समिति महासचिव गजानंद देलमिया, समिति उपाध्यक्ष अंबाराम मालवी, वरिष्ठ सदस्य नरपत सिंह मालवी, साजिद पठान, बन्ने सिंह जी, सलीम खान, कालूराम मालवीय आदि जयंती कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उक्त जानकारी शंकर सिंधल ने दी। आज आपने किस महापुरुष की जयंती मनाई? आज जो है चक्रवर्ती सम्राट महाराजा बलि की जयंती मनाई गई, क्योंकि पहले तो राजा जो होता था एक राज्य का हुआ करता था, लेकिन महाराजा बलि पूरे एशिया महाद्वीप के राजाओं के राजा थे। महाराजा बलि जिनका इतिहास में आज तक नाम अजर और अमर है। और इनके बलिदान के ऊपर कुछ कहेंगे आप? इन्होंने जो बलिदान दिया है वो पूरी दुनिया को मतलब पता है कि महाराजा बलि में कितना त्याग, समर्पण और बलिदान था। लेकिन चूंकि अफसोस होता है कि उनको इतिहास के लोग, मूल निवासी समाज के लोग ही नहीं जान पाए, हम प्रेरणा प्रोत्साहन समिति के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में उनका इतिहास बताकर रहेंगे। यही हमारा उनकी जयंती के उपलक्ष्य में संकल्प है। संवाददाता साजिद पठान।